दोस्तों कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और वो डाटा की अपनी कहा थोड़ा सा लगा लो। हाँ, तो आज का जो मेरा राइड है दोस्तों, वो देखो मेरे इस बराबर में ये चल रहा है एक दरिया, दरिया कह दो, नहर कह दो या पानी कह दो, और मैं इस पानी के सहारे सहारे आज मैं अपना राइड कर रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं यहाँ रास्ता खो चुका हूँ, मैंने मैप लगा रखा था, तो जो मैप से मैंने रास्ता तलाश किया था, तो उस रास्ते की वजह से मैं खो चुका हूँ यहाँ इस जंगल के अंदर। तो यहाँ बहुत सारे जानवर मैंने देखे, मैं दुबका भी पिछले जो ब्लॉग मैंने इसमें डाले हैं, जो राइड मैंने डाली है, तो उन वीडियोस में मैंने आपको दिखाया भी है कि मैंने किस तरह से जानवरों से खुद को बचाया है। और मतलब डर तो डर है, देखो जानवर सामने आया तब पता चलता है कि ये कौन सा जानवर है। यहाँ कई सारे मैंने जानवर भी देखे, और ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की रेंज के अंदर हूँ यहाँ, क्योंकि मैं भटक गया था, क्योंकि जो परमिशन थी वो सिर्फ ब्लैक रोड की थी, बट ये देखो मैं अभी ऑफ रोडिंग पर चल रहा हूँ, मतलब मिट्टी की सड़क पर चल रहा हूँ। तो आप लोग दुआ करें भाई कि अच्छे से मैं बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि जो उम्मीद थी कि अच्छा होगा, लेकिन मौसम तो अच्छा हो रहा है, वेदर भी अच्छा हो रहा है, बट यहाँ बहुत सारी जगह भाई जंगली जानवर मेरे को मिले। मैं भगाया भी गाड़ी, कुछ जगहों पे मैं रुका भी, दुबका भी, और तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा बैड फील हो रहा है भाई। तो आप लोग कभी भी भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर आप इस तरह की लोकेशन पर आ रहे हैं ना, तो भाई लोग थोड़ा सेफ्टी से आए और मैप के चक्कर में ना पड़े भाई, क्योंकि मैप जो दिखाता है ना वो थोड़ा कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। तो यहाँ बहुत डर सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि देखो भाई जंगल है सारे साइड में चारों तरफ, और इधर जंगल का मतलब वो नहीं है कि जैसा हमारे यहाँ प्लान होते, प्लान क्षेत्र में जंगल होता, नहीं भाई, यहाँ जंगल का मतलब है मौत, मौत के साथ में टहलना, मौत को साथ में लेके चलना। तो यहाँ ये सब चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, देखो कितना इधर घने घने इधर जंगल वगैरह हैं। और ये कुछ लगा मुझे कि कोई है, लेकिन भाई बस अल्लाह अपना रहम करेगा भाई। तो यहाँ चश्मा चल रहा है, इधर पानी दरिया बह रहा है इधर खूबसूरत सा, तो मैं यहाँ किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करूँगा, और हेल्प भी तब मांगूँगा कोई मिलेगा भाई, जानवरों से हेल्प नहीं मांगूँगा मैं, तो भाई सिर्फ़ अल्लाह है मेरी मदद के लिए यहाँ, और कोई नहीं है भाई। तो मैं सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कि मैं जंगल से कैसे भी बाहर करके निकल जाऊँ। तो भाई मैं कैसी भी मुश्किल से जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क भी मेरे गायब हो गए हैं। तो भाई जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग देखना भाई, कभी भी इस तरह के वीडियो के लिए जंगल के अंदर ना जाना भाई, बहुत रिस्की ये काम है भाई, बहुत ही दिक्कत का सामना मुझे भी हो रहा है, आप लोगों के भी होगा, क्योंकि यहाँ भी मैंने देखा भाई बहुत, ये देखो सारा एक कटान हो गया भाई ये, और जंगल से बस कैसी करके मैं निकल जाऊँ। और भाई यहाँ पानी कहाँ से आ गया, मतलब बारिश हुई है यहाँ पर। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, बैटरी गाड़ी की कुछ गड़बड़ सी कर गई थी इधर, तो भाई बड़ा मुश्किल से सेल्फ लिया है गाड़ी ने, और ऐसे जंगल के अंदर भाई मैं राइड कर रहा हूँ। कि देखो मैं आपको 10 से 15 किलोमीटर का जंगल ये दिखाऊंगा जिम कॉर्बेट के अंदर का जो ऑफ रोडिंग का सिस्टम है भाई, मैं तो मजाक समझ रहा था, लेकिन ये सीन हो गया कर रहा भाई। और यहाँ का भाई बहुत बुरा सीन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ एक तो कोई हेल्प भी नहीं मिल सकती आपको, और यहाँ का जंगल भी बहुत सुनसान है, बहुत ही ख़तरनाक इधर का सारा ये चल रहा है था, और पता नहीं भाई मैं कब यहाँ से निकलूँगा। और यहाँ तो जानवर इतने बहुत सारे यहाँ मिल रहे हैं, मतलब फुटप्रिंट्स वगैरह, तो भाई मुझे अभी एक पीछे सांप मिला था, तो चलो सांप तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, सांप को तो खैर मैनेज कर लेंगे, बट दुआ करो कि सांप से बड़ा कोई जानवर ना मिले इधर, एनिमल ना मिले। हाथी भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जानवर ऐसा है जो ना मिले तो बेहतर है, टाइगर, क्योंकि भाई यहाँ भागने के लिए जगह नहीं है, और क्योंकि मैं यहाँ गाड़ी को यू टर्न भी नहीं कर पाऊँगा तुरंत एकदम से, और मैं बहुत सारा इधर इन्जॉय करने के लिए आया था भाई, बट अब हवा निकल रही है इस टाइम, देखो सामने भी देख लो इधर जंगल, इधर गहरा जंगल है भाई,
और इधर ये नदी चल रही है, और ये टाइम जानवर का जो रिटर्न का टाइम है, जो अपने घर को जाते हैं शिकार करके या पानी पी के या जो भटक जाते हैं, वो सब अब लोग सारे जानवर अपने 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 मकान की तरफ निकल जाते हैं, मकानात की तरफ निकल जाते हैं या ठीक है जो भी होता है उनका। तो भाई इधर बहुत ही ख़तरनाक सा मंजर है देखो भाई। तो आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे जंगल में बिल्कुल भी राइड ना करें, क्योंकि मैप से मैंने ये राइड स्टार्ट की थी भाई, मैंने मैप लगा लिया, बहुत बड़ी गलती होगी भाई मेरे से, और यही गलती मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। देखो ये पेड़ इधर गिरा रखा है, किसी जानवर ने गिराया हुआ है, आंधी तूफान में गिरा हुआ, रोड पर देख लो कितना तगड़ा तूफान आया हुआ है इस पर अभी। तो भाई मैं बोल रहा था भाई, मैंने मैप लगा रखा था जिम कॉर्बेट के अंदर, मैं ऐसी मजाक में आ गया था, और ये रास्ता मुझे बहुत भारी पड़ रहा है भाई। बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि सूरज निकल ढलने से पहले पहले मैं बाहर निकल जाऊँ, तो भाई बहुत ही मेरे लिए बेहतर होगा। और आप लोग कभी भी आए तो भाई मैप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें भाई। अगर आप सिटी पर चल रहे हैं कहीं सिटी में या कहीं हाईवे में चल रहे हैं आप, तो ठीक है भाई मैप लगा लो, उसमें भी दिक्कत आई थी कभी कभी तो भाई। और मैं तो वैसे भी जंगल में, यहाँ नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा यहाँ पर मेरे, और नेटवर्क भी भाई क्या कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑफ रोड मतलब ऑफलाइन वाला जो मैप है उसको डाउनलोड कर लेगा, तो भाई देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोई सा मैप काम नहीं करता, बस एक ही मैप काम करता है दिमाग का, जो दिमाग में घूम रहा होता है ना मैप, सिर्फ वही काम करता है मैप। देखो तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मैप घूम रहा भाई कि बस सीधे चलता रहो, कहीं तो ये निकलेगा भाई, कहीं भी निकलेगा, और नहीं भी निकलेगा तो मैं भाई कोशिश करूँगा कि देखो ये जानवरों का रास्ता है, ये पानी पीने का, यहाँ पूरा नीचा है भी है, और ये देखो रास्ता कितना नीचा कर रखा है जानवरों ने, कितनी बहुत सारे प्रिंट है यहाँ पर। मैं यहाँ भाई गाड़ी तेज़ चलाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा, दिन छिप रहा है भाई, है हाँ दिन छिप रहा है ना। और रात हो गई तो वैसे पंगे हो जाएगा, बहुत अच्छी यहाँ कुछ पक्षियों वगैरह की आवाज़ आ रही है, तो भाई तगड़ा सीन इधर हो रहा है भाई। और देखो मेरे सामने वो कितनी सुरंग सी दिखाई दे रही है, आप पता नहीं कैसे फील कर रहे होंगे भाई, मैं तो बहुत ही ख़तरनाक डरावना फील कर रहा हूँ इधर, वो कितनी ख़तरनाक आवाज़ जंगल में आ रही है भाई। बट गाड़ी है, और ये देखो भाई ओए ओह बच गए भाई, यहाँ सांप भी लटके लग जाते हैं पेड़ से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे क्या वो लग रहा है